नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जनाई। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड के दूधपुरा बाजार स्थित राजकीय मध्य विद्यालय दूधपुरा के प्रधान अध्यापक और उनके सहयोगी शिक्षक की कारनामा सामने आई है। आपको बता दें कि 5 सितंबर की जहां पूरे बिहार में विद्यालय संघ की यूनियन की तरफ से हड़ताल पर जाने की बात बताई गई थी, तो कुछ के प्रधान अध्यापक अपने विद्यालय खोलने की भी बात बताए। राजकीय मध्य विद्यालय दूधपुरा के प्रधान अध्यापक दिलीप राय ने 5 सितम्बर की 10:30 बजे अपने सभी शिक्षक के साथ विद्यालय पहुंचे। कार्यालय बंद अवस्था में ही अपने मोबाइल फोन पर मनोरंजन में लगे रहे, जो आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। कुछ ग्रामीणों को पता चला कि 10:30 बज रहा है, सभी शिक्षक विद्यालय पर मौजूद हैं, उसके बावजूद भी विद्यालय अब तक नहीं खुली है, तो कुछ ग्रामीण विद्यालय पर पहुंचकर प्रधान अध्यापक दिलीप राय और उनके शिक्षक से पूछते रहे कि आप हड़ताल पर हैं या फिर विद्यालय खुली है या नहीं। शिक्षक और प्रधान अध्यापक जवाब देना उचित नहीं समझा। वहीं पर विद्यालय के अध्यक्ष संतोष ठाकुर ने बताया कि मैं भी कई बार प्रधान अध्यापक दिलीप राय से पूछ चुका हूं कि आप हड़ताल पर हैं या फिर विद्यालय खोलने के लिए आए हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये क्या नाम हुआ आपका? मैं संतोष कुमार ठाकुर। यहाँ के क्या है स्कूल? राजकीय मध्य विद्यालय दूधपुरा का स्कूल का अध्यक्ष। अभी तक 10 बजे, सारे 10 बज गए, अभी तक विद्यालय खुली नहीं है और कुछ टीचर यहाँ स्कूल पर प्रेजेंट हैं, अभी तक कुछ कहने के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं। लोग क्या करेंगे, हड़ताल पर जाएंगे, विद्यालय में खुलेंगे, बोल रहे थे पकड़ करके हमको ले आए।